अब वक्त आ गया है, हमको बोला, माँ बहनों को आगे भेज दिया, खुद ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनिया बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। आपने भी ये वीडियो देखा जिसमें एक पूर्व विधायक हैं वारिस पठान, और वो क्या बोल रहे थे आपने सुना। और वहाँ ओवैसी जो लोकसभा में सांसद हैं वो बैठे हुए थे वहाँ पे, और इस बात पे अभी तक जब आप स्वयं बैठे हुए थे वहाँ पे तो क्लैरिफिकेशन आना चाहिए था। अगर आप इस बात को लेके कंसर्न होते कि जो आदमी कुछ बोल रहा है, जो हिंदू और मुसलमान कर रहा है, जो बता रहा है कि 15 करोड़ मुसलमान जो है 100 करोड़ हिंदुओं पे कैसे भारी पड़ जाएंगे, तो अगर आप एक सेंसिबल आदमी हैं, अगर आप इस तरीके से देखते हैं कि देश में वाकई जो है सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए, देश में वाकई कोई एक गंगा जमनी तहजीब की बात होती है, देश में वाकई दो कम्युनिटीज़, दो फेथ के बीच में एक हार्मनी है, वहाँ के लोग साथ चलना चाहते हैं, और कई बार जो है ओवैसी जब उन्हें डिफेंड करना होता है, जब बात मुसलमानों पे आती है, जैसे CAA की ही बात कर लें, उसी के संदर्भ में बोला जा रहा था, तो वहाँ पे वो कहने लगते हैं कि नहीं हम सब एक हैं और संविधान में ये है और वो है। तो ओवैसी से प्रश्न ये है, और ओवैसी का ये एक बार का नहीं रहा ये इंस्टेंस, ओवैसी का एक भाई है अकबरुद्दीन, उसने भी कुछ साल पहले 15 मिनट वाला एक बयान दिया था जो आप फिर से सुन लीजिए, और ये सुनना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको चेन ऑफ इवेंट्स जो है पता चले कि कैसे पावर आपको एक तरह से अफेक्ट करता है, और पावर जहाँ अफेक्ट नहीं कर रहा हो तो वहाँ आपको आपका मजहब किस तरह से दूसरे मजहब के प्रति आप में घृणा, द्वेष और तमाम तरह की चीज़ें जो है भरता है। आप एक पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, फिर भी आप बोलते हैं। आप ये स्पीच भी सुनिए जब मोदी के बारे में अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी का भाई भी है और विधायक भी है, उसने दिया था। और यही नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2019 में दोबारा अपने एक स्पीच में उस स्पीच का जिक्र किया कि 15 मिनट वाला स्पीच याद है ना, उस पर बहुत बवाल हुआ था, आप ये वीडियो देखिए। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब आप एक और वीडियो देखिए जिसमें एक सलमान अहमद नाम का लड़का है, नांदेड़ में वो मुसलमानों की एक भीड़ को संबोधित कर रहा है, और ये उस समय की है जब शाहीन बाग अपने चरम पर एक तरह से था, और वहाँ पे वो बता रहा है कि कैसे मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, कैसे उन्हें एक साथ सारे नवयुवक मुसलमान जो एक साथ होंगे, और कैसे शाहीन बाग ने डिसाइड कर लिया है कि CAA भी वापस जाएगा और ये हुकूमत भी वापस जाएगी। शाहीन बाग में जो 10 50 100 लोग वहाँ पे जुटते हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि इस देश की हुकूमत जिसे 27 करोड़ लोगों ने अपना वोट देकर एक पार्टी को वहाँ पे, एक गठबंधन को वहाँ पे बिठाया संसद में, वो जो है नांदेड़ का ये सलमान अहमद है, वो बोल रहा है कि वो हटा देंगे, और हिंदुओं को चुनना है कि उनकी कब्र जो है 2 फीट गहरे खुदेगी या 20 फीट गहरे खुदेगी। आप ये वीडियो देखिए। CA भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर ये दोनों नहीं रहे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात भी बहुत क्लियर करना है कि CA भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर कोई ये कोशिश करता है कि ये दोनों चीजें बाकी रहे तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, चाहे उसके लिए जो करना है। मुस्लिम कम्युनिटी भी उसके लिए तैयार है, नौजवान भी उसके लिए तैयार है।
तो ये किसी एयरपोर्ट बट वाली बात नहीं है, ये किसी बाबरी मस्जिद वाली स्ट्रेटेजी की बात नहीं है कि कोर्ट का जो फैसला होगा मान लेंगे। फैसला हम कर चुके हैं, अब हिंदुस्तान उसको मानेगा। ये ऑप्शन हम आपको दे ही नहीं रहे, ये ऑप्शन अब नहीं है आपके पास, किसी के भी पास, कि आप ये बोलेंगे ठीक है फैसला वहां से आएगा, कुछ एडजस्टमेंट होगा। फैसला शाहीन बाग से हो चुका है, अब आप कब मानेंगे ये आपको तय करना है। जितना जल्दी मानेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, जितना डीले करेंगे आपकी खबर उतनी ज्यादा गहरी खुदेगी। अब आपको तय करना है कि 2 फीट नीचे जाएंगे 20 फीट नीचे जाएंगे। अब आप याद कीजिए शर्जील इमाम को, जिसने शाहीन बाग का जो सरगना कह सकते हैं आप, जिसने शुरू किया था और उसके बाद फिर आगे वो एएमयू में एक जगह भाषण देता देखा गया, और उसमें उसने तमाम तरह की बातें की जिसमें भारत के एक हिस्से को काटने की बातें थी परमानेंटली, असम को काटने की बातें थी, 500 शहरों को जहां मुसलमान हैं कह दिया गया कि उसको पंगू बना दो, नॉर्मल लाइफ को डिसरप्ट कर दो, मुसलमानों से ही अपील हो रही है। वो कह रहा है कि अगर हिंदू भी तुम्हारी मदद को आना चाह रहा है तो उससे पहले बोलो कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, उसको हमारे नारों में साथ होना पड़ेगा। वो जो है वहाँ पे जहाँ बोल रहा है वहाँ लिखा हुआ है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती, मतलब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको जो है, चूँकि मुसलमान कौम जो है जिंदा अपने आप को मानती है, तो वो जो है सबवर्ट कर दे, अटैक कर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे, इसका यही मतलब मेरी समझ में आता है। बात आप जितना घुमा के बोलना चाहे घुमा के बोल लें। वहाँ पे वो उकसाता है लोगों को, वहाँ पे नारेबाजियाँ होती हैं, और ये बताता है कि, और ये एक सामान्य लड़का नहीं है शर्जील अहमद, शर्जील अहमद IITian है, उसका JNU में शोध कर रहा है। तो आप देखेंगे कि चाहे ओवैसी हो, वारिस पठान हो, सलमान अहमद हो जो टकने तक पजामा पहने और टोपी पहने हुए वहाँ पे था, या फिर शर्जील इमाम हो, ये लोग लाइफ के हर वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं, मतलब इसमें MP है, MLA है, XML है, पढ़ा लिखा नौजवान है, और विशुद्ध जो जिसे आप मुसलमान कहते हैं कि वो टकने तक पजामा पहने और माथे पे टोपी लगाए, हर तरह के लोग हैं। और उसको सुनने वाले कौन है, उसमें अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, नॉर्मल पढ़े लिखे भी हैं, हर तरह के लोग हैं। अब वारिस पठान वाले पे दोबारा वापस आइए कि ये 15 करोड़ हम हैं, 100 करोड़ तुम हो, तुमने हमें कहा कि हमने औरतों को और बच्चों को आगे कर दिया, बात ये हुई कि हमारी शेरनियाँ अभी आगे हैं तो तुम्हारी जो है फटी पड़ी है, हम लोग जब साथ आ जाएंगे तब क्या होगा। अब वारिस पठान जिस चीज़ की बात कर रहा है, वहाँ पे वाकई शाहीन बाग में औरतों को, नवजात बच्चों को जो अभी तुरंत पैदा हुए हैं, उन बच्चों को, मतलब 2 महीने के 4 महीने के बच्चे जो है ठंड से इन फसादियों के ज़िद के कारण वो बच्चे मर गए, अब इस दुनिया में नहीं है, और उनकी माएँ सामने आके कह रही हैं कि हमारे और भी बच्चे हैं, हम उन्हें भी कुर्बान कर देंगे। इन बच्चों से कोई पूछने नहीं गया कि उनको कुर्बान करने के लिए, मतलब किसने पूछा था, कोई नहीं, वो मर गए और उनको जो शहीद की तरह पेश किया जा रहा है। सत्य लेकिन ये है कि चाहे वारिस पठान हो, शर्जील इमाम हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, सलमान अहमद हो, ये सारे मूलतः मुसलमान हैं, और इन मुसलमानों को ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम जिसके लिए शाहीन बाग में बैठते हो वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, और इस्तेमाल एक यूज्ड कॉन्डोम की तरह या सैनिटरी नैपकिन होता है, इसका काम हो गया फेंक दिया, यूज एंड थ्रो की तरह हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 70 साल से इस देश की तमाम पार्टियां मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए लगी हुई है। अल्पसंख्यक मंत्रालय है, कई पार्टियों को मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाला कहा जाता रहा है, उन्होंने योजनाएं भी बाकायदा बनाई हैं, फिर भी मुसलमान औरतों में मात्र 1% ही ग्रेजुएट कैसे है, फिर भी सारे मुसलमानों में स्कूल का ड्रॉप आउट रेशियो, स्कूली शिक्षा पाने का रेशियो इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रेशियो से भी कम क्यों है। इस पर सोचना चाहिए लोगों को,
लोगों को सोचना चाहिए कि तुम जिसके लिए बैठ रहे हो, जिसके लिए तुम कहते हो हम ऑर्गेनिकली आए, जिसके लिए तुम दंगे करने सड़क पे आ जाते हो, जिसके लिए तुम मस्जिदों से निकलते हो, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी बंगाल में जला देते हो बशीरघाट में, जिसके लिए तुम मेरठ में, बिजनौर में, लखनऊ में वो भी वैंस को फूंक देते हो, बसों में जामिया नगर में आग लगा देते हो, लाइब्रेरी में घुस के पत्थरबाजी करते हो, वो तुम्हारे लिए कभी खड़े नहीं होते। तुम जिसे अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हो, चाहे अकबरुद्दीन हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या वारिस पठान टाइप के, इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ लोगों को खड़ा किया है। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया बात बोल रहे, नहीं, इससे होता यही है कि जो आदमी अभी तक ये मानता है कि ठीक है सब समाज में सौहार्द बना रहना चाहिए, वो जब देखता है कि इसका पढ़ा लिखा आदमी, ये तो लंदन से पढ़ के आया है, ये तो IIT में पढ़ता है, और वो जब कहता है कि 15 करोड़ मुसलमान जो है 100 करोड़ हिंदुओं को देख लेंगे, वो जब कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे किस में कितना ही दम है, कौन क्या कर सकता है, वो जब कहता है कि हिंदुओं को 20 फीट नीचे गाड़ें या 10 फीट नीचे गाड़ें, तो ये बात जब आती है तब तुम उन लोगों को अपने ही अगेंस्ट इकट्ठा कर रहे हो। हमेशा रोते हो ना कि मोदी पोलराइजेशन कर रहा है, भाजपा पोलराइजेशन करते, नहीं, पोलराइजेशन अगर वो कर भी रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा मदद जो है मुसलमान करते हैं। भाजपा ने तो कभी उनके खिलाफ कुछ बयान नहीं दिया, कोई कुछ नहीं बोलता है, पूरा इलेक्शन जो है इस इशू से डिवाइड होकर लड़ा गया, और उसके उलट हिंदू मुसलमान करने वाले जितने लोग थे वो यही लिबरल वामी कामी गैंग के लोग थे, रवीश कुमार जैसे लोग, जो राम मंदिर मुद्दा नहीं था तो पूछने लगे लोग कि अरे राम मंदिर इस बार मुद्दा क्यों नहीं। उसी तरह अभी वाले चुनाव में शाहीन बाग को मुद्दा बनाया गया, उसमें हनुमान को खींचा गया, उसमें राम को लाया गया। तो ये सब दिखता है कि कौन क्या करना चाह रहा है, और तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। मुसलमानों को ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वही बात है कि फिर ये 20 फीट 2 फीट वाली बातें होती रहेंगी। अब आप ये देखिए कि जब गोद का बच्चा इस्लाम को कुर्बान करने की बातें हो रही हो, तो फिर उसकी परवरिश, उसकी शिक्षा, उसकी उच्च शिक्षा जो है वो तो खिलाफत में ही दिखेगी ना। AMU की दीवारों पर खिलाफत की बातें हो रही है, वही खिलाफत जो एक तरह से ISIS में चल रहा है और एक तरह से कश्मीर में स्टैब्लिश हो चुका है, जहाँ से बाकी किसी फेथ को वहाँ रहने की जगह नहीं दी जाएगी, उनकी बहू बेटियों का रेप किया जाएगा, सामूहिक बलात्कार किया जाएगा, जिंदे में आरी से काटा जाएगा। तो तैयारी तो इसकी चल रही है, और इसकी तैयारी इसलिए चल रही है क्योंकि जब गोद में बच्चा जो है जिसकी अभी समझ डेवलप नहीं हुआ, उसे उसकी माँ जो है कुर्बान करने की बात करती है, फिर मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, फिर वो स्कूलों में क्या पढ़ता होगा, फिर वो कॉलेज में क्या पढ़ता होगा कि यूनिवर्सिटी में वो पहुंचता है और दीवारों पे हिंदुओं कैलाश जाओ की बात करता है। आप सोचिए कि ये कोई अनपढ़ गवार ऐसे नहीं है कि उन्हें किसी मुल्ले ने बोल दिया या किसी मौलवी ने बोल दिया या मस्जिद में ऐलान कर दिया गया कि हाँ फलाने दिन को तुम जो है निकलना मशाल लेकर और बशीरघाट में जो है रेलवे स्टेशन को फूंक देना, BDO के घर में आग लगा देना। नहीं, ये लोग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये लोग हिंदुओं से विशुद्ध घृणा की बातें करते हैं। वहाँ पर जब हिंदुत्व की कब्र खुदेगी AMU की धरती पर बातें होती है, हिंदुओं से आज़ादी की बातें होती हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, कि अब वक्त आ गया है कि हम गलियों में निकलें और एक दूसरे से पूछें कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, इस तरह की बातें जब होती हैं, स्वास्तिक को फिर क्यों नहीं जलाएगा ये बच्चा जिसकी परवरिश इस हिसाब से हुई, जिसके बड़े जो है जो पावर सेंटर्स को होल्ड करते हैं, जो सत्ता में हैं, जो MP हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जब इस तरह की बातें करते हैं तो क्यों नहीं वो लिखेगा कि हिंदुओं कैलाश जाओ, वो हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों में आग क्यों नहीं लगाएगा, वो ओम को जो है वो नाजियों के सिंबल की तरह क्यों नहीं क्रिकेट क्रॉस की तरह दिखाएगा, उसको डेसिक्रेट करता दिखेगा, वो मूर्तियों को क्यों नहीं तोड़ेगा, वो कांवरियों पे पत्थर क्यों नहीं फेंकेगा, वो हर बार हिंदुत्व की कब्र खोदने की बात क्यों नहीं करेगा, वो हिजाब जब बनाएगा तिरंगे के कलर का तो उसमें तो हरा ऊपर वो दिखाएगा ही कि इस्लाम की सुप्रीमेसी है, इस्लाम जो है सबसे बढ़िया मजहब है।
हम लोग इस यही रटने में रह गए कि नहीं सब बराबर है भगवान की आंखों में और उसका सम्मान करो, और यहाँ पे है हाईली मोटिवेटेड है कि नहीं हमारा मजहब जो है तुमसे बड़ा है, तुम जो है वाजिबुल कत्ल हो, तुम काफिर हो, तुम कुफ्र करते हो, तुम्हें हम मार देंगे, हम तुम्हें काट देंगे, और उसके लिए कोई रिमोर्स नहीं, कोई गिल्ट नहीं होती है। तभी तो वो झंडे में हरा वाला हिस्सा ज़्यादा दिखाने लगते हैं, तभी तो वो काली माँ को दिखाते हैं हिजाब पहने हुए, तभी वो हिंदुओं की औरतों को बिंदी में बुरके में दिखाते हैं। वो कन्वर्जन का स्कीम है कि अगर हम आ गए तो क्या करेंगे। जैसे कि फराह खानम जो है वो बोलती है कि हमें स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, हम जो है उन्हें बुलाओ, अभी जो तुम्हारे साथ है उनको बोलो कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, उसके हमारे साथ खड़े हो हमारे स्ट्रगल में, और उसके बाद जब उनका राज आएगा तब हम निपटेंगे, और इस तरह की बातें होती हैं। तो ये सब कहाँ से आता है? ये तो पढ़े लिखे लोग, कोई पत्रकार है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि ये मानसिकता है क्या, ये मानसिकता ऐसी क्यों है कि ये हर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, मतलब कोई भी किसी भी क्लास या स्टेचर का हो, उसके दिमाग में यही कि मुसलमान सबसे ऊपर, यही चलता रहता है। उसके दिमाग में खिलाफत की बात चल रही है, उसके दिमाग में गजवाए हिंद और उम्मत की ही बात चलेगी कि हम सबसे ऊपर हैं और हमारा राज एक दिन आएगा। अगर ऐसी बात नहीं होती तो 100 करोड़ को ये 15 करोड़ अपने आप ये रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है ना, ये तो अपनी गली का चुनाव नहीं जीत सकता है। ये तो ऐसे लोग हैं कि अगर ये किसी दूसरे के गली में चले जाएँ तो वहाँ चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये वो ऐसे लोग हैं, जावेद अख्तर ने भी मतलब कभी कभी ठीक बात बोल देते, तो उसने भी कहा था असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कि ये लोग अपने गली के शेर हैं, उनसे बाहर कोई पूछता नहीं इनको। जब तक ये लोग हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, और हिंदू मुसलमान भी नहीं, हिंदुओं से घृणा की बातें, इस्लामिक सुप्रीमेसी की बातें कि मजहब जो है इस्लाम वो सबसे ऊपर है, तब तक इन्हें कोई सुनता ही नहीं है, तब तक ये चर्चा में नहीं आते। और नेता हो तुम, तुम्हें नेता बनने की तुम्हारे मन में इच्छा हो, जैसे कन्हैया बन गया नेता लेकिन और किसी कोई पूछ नहीं रहा है, शहला रसीद भी आउट ऑफ वो हो गए, उमर खालिद भी गाहे बखाए इधर उधर गाली सुनता है तभी चर्चा में आता है, तब शर्जील इमाम को लगता है ना कि अरे वो बन गया, और उसमें वो हिंदू और ब्राह्मण है, वो बन गया, मैं मुसलमान हूँ, हमारे लिए अलग इंस्टीट्यूट्स क्रिएटेड हैं AMU और जामिया, फिर भी मैं नेता क्यों नहीं। और उसे नेता बनने के लिए गांधी को फांसीवादी बताना पड़ता है, भारत के संविधान को नकारना पड़ता है कि हिंदू मुसलमानों के साथ हमेशा नाइंसाफी की, संविधान ने न्यायालय को धता बताता है कि हमेशा अगेंस्ट मुस्लिम ये लोग रहे हैं। अंग्रेज़ों के समय जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा बेहतर काम करता था, अभी जो हमें टारगेट कर रहा है। इसके लिए अल्पसंख्यकों के प्रति जो है उसको एक मतलब, एक तो ऑलरेडी ये फर्स्ट क्लास सिटीजन है हिंदू, यहाँ का सेकंड क्लास सिटीजन है जो 100 करोड़ की आबादी वाला है, मुसलमान के लिए अलग से मंत्रालय खुला हुआ है, उनके लिए बाकी योजनाएं भी हैं और एक्स्ट्रा योजनाएं भी बनती हैं ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो, उनकी उन्नति हो। लेकिन जब दिमाग में हो कूड़ा भरा हुआ, और जब वो नगर निगम की गाड़ी आए कि गाड़ी वाला आया घर से कूड़ा निकाल, तब भी नहीं निकाल पाते हो, तब तो तुम यही सब करोगे ना, तब तुम्हारा अंतिम सहारा यही बचता है कि तुम मुसलमानों की एक भीड़ में जाओ और वहाँ पे जो है तुम जहर जो है अपना उगलते रहो। तुम्हें एक दुश्मन चाहिए हमेशा कि वो खड़ा रहे और हमें किसी को टारगेट करना है। ऐतिहासिक तौर पर भी देखा जाए तो हिंदुओं ने हमेशा सहा, मंदिर तोड़ दिए, गांव के गांव राख कर दिए, उनके नॉलेज के जो सोर्स थे, उनकी हिस्ट्री कल्चर सबको डेसिमेट कर दिया गया, एनाहिलेट कर दिया, तबाह समूल नाश एक तरह से कह सकते हैं कर दिया गया। उत्तर भारत इसका जीता जागता उदाहरण है, और कश्मीर जो है वो अभी वर्तमान में उसमें हुआ है, वो उदाहरण आप देख लीजिए। तो उसकी कोई ग्लानि नहीं है इन लोगों को, ये अभी भी उन आतंकियों से, बलात्कारियों से अभी भी उन्हें चाचा फूफा बाबा मामा ये मानने को तैयार है। भले ही वो अपराधी रहा, उसने भारत को पूरी तरह से तबाह कर दिया, और लेकिन इनका नाम उनके जैसा है तो
तो ये वहाँ सीधे बाबर और पता नहीं किससे, बलात्कारी बाबर और दंगाई बाबर और आतंकवादी बाबर, उनसे सीधा जो है तेरा मेरा रिश्ता क्या पे आ जाते हैं ये लोग। तो ये लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये लोग ये बात नहीं देखते हैं कि हिंदुओं ने सिर्फ सहा है, तुम्हारे खिलाफ भी एक भी बार नहीं उठे वो ढंग से, और जब तुम उन्हें उकसाने की कोशिश करते हो तो भी वो सहिष्णु बना जो कुछ नहीं करता है, वो सुनता है और हंसता है क्योंकि हंस ही सकते हैं। हम जो हैं इतने सैकड़ों हजारों सालों से यहाँ पे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहा, बाहर से आए तुम्हें बसने दिया, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वही है कि यहाँ पे आए सत्ता भी रही, 800 साल हजार साल की बातें भी तुम लोग करते हो, तुम लोग से मतलब उन लोगों से है जो ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे राज किया है। अब इतने साल राज किए तो 6 साल में क्यों फट गई, सवाल तो ये भी है ना, 6 साल में ऐसा क्या हो गया तुम्हारी फटी पड़ी है और तुम जो है सारे मुसलमानों को ऑर्गेनाइज करने पर आ गए। 6 साल है, 4 साल और देखो, हो सकता है उसके 5 साल और देखना पड़ेगा, और ऐसा तो कुछ होने रहे यार, तुम्हारी औरतों को बेहतर करने की बातें हो रही है, तुम्हारे लिए शिक्षा में एक्स्ट्रा फंड जा रहा है और वो फंड भी पता नहीं हमारे ही मंदिरों के चंदे से जो आ रहा है, वो फंड तुम्हारे मदरसों में स्कॉलरशिप के रूप में जाता है। तो हिंदू हमेशा एकोमोडेटिव रहें, प्लूरलिस्टिक व्यू लेके चले, टॉलरेंट रहें, और यहाँ पे ये लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, और वो कह रहे हैं कि 15 करोड़ हम 100 करोड़ दिखा देंगे की बात करें, क्या दिखा दोगे, ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो हम नहीं जानते तुम्हारे अंदर, हमने तुम्हें अच्छे से देखा हुआ है, हर आतंकी धमाके के बाद भी हम तुम्हारी चुप्पी देखते हैं, और जब एक किसी के साथ कुछ होता है तो तुम्हारा फिर गर्थियो नाच भी देखते हैं। तो उस तरह से देखो ना, वहाँ जाके तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये जो प्रपंच लगातार तुम लोग करते रहते हो और ये जो वीडियो जो आते रहते हैं तुम्हारे, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। ये 2019-2020 है, वो गए दिन की कांग्रेस के टाइम में तुम पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, अभी एक्शन भी लिया जाएगा, और एक्शन नहीं लिया जाएगा फिर भी तुम अगर लोकतांत्रिक तरीकों की ही बात करोगे तो ये हार तुम्हारी होगी, क्योंकि ये सुन के वो लोग भी इकट्ठा होते हैं, वो लोग पोलराइज होते हैं, जिसे तुम हमेशा कहते हो कि ये लोग हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं को पोलराइज कर रहे हैं, नहीं, तुम लोग, तुम्हारी जैसे टट्टी और जहर बोलने वाले लोग, रायता फैलाने वाले लोग, तुम लोग जो है बाउंड्री लाइन पे जो बैठे हुए हिंदू, उनको तुम लोग पोलराइज करते हो। अच्छा है, ये करते रहो, खुद ही नंगे होते रहोगे। और जाते जाते मैं दोबारा इस आदमी का वीडियो जो है छोड़े जा रहा हूँ, देखते रहिए, नमस्कार। अभी तो सिर्फ शेरनिया बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात।